तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, जैसे मैंने बताया था कि सैमसंग A52 डेज में एक नया अपडेट आया है और वहां पर कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स किए गए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस अपडेट का आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि क्या उस अपडेट में आने के बाद आपके सैमसंग A52 डेज में आपको क्या चेंजेस लगे हैं या फिर मुझे क्या चेंजेस लगे, मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, जो प्रीवियस अपडेट था उसके अंदर यार मेरे को तो बहुत बेकार हो रहा था कि मेरे साथ बैटरी ड्रेन भी हो रही थी और मोबाइल लैगिंग या फिर बोल सकते हैं हैंगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट इस अपडेट के बाद जो मुझे सबसे अच्छी बेस्ट चीज लगी इस अपडेट में, कि मेरा बैटरी इशू तो यार काफी हद तक सॉल्यूशन हो गया, नहीं तो यार बहुत जल्दी वहां पर बैटरी डाउन हो रही थी पहले वाले अपडेट में, पर इस अपडेट के बाद जो बैटरी है वो काफी हद तक यहां पर इंप्रूव हो गया है। तो मैं आपको यहां पर ले जाता हूं सैमसंग के डिवाइस केयर के अंदर और वहां पर आपको बताता हूं कि उसका ये, यहां पर मैं उसकी रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, नहीं तो ऐसे में लाइट आएगी तो आपको सही दिखेगा नहीं, तो मैं यहां पर इसकी रिकॉर्डिंग आपको लगा के दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ, देखिए बैटरी बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर, बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर जाने के बाद मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन में। तो आप देखेंगे जो बैटरी का परफॉर्मेंस है यहाँ पर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है और अभी मेरे मोबाइल की बैटरी आप देख रहे होंगे 22% है। उसके बाद भी वो बोल रहा है भैया अभी 5 घंटे आप चला सकते हो जिस हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हो, अभी मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ भी ऑन है, नेट भी ऑन है और अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चली रही है आप देख रहे होंगे, उसके बाद भी ये बता रहा हूँ। और अभी फुल चार्ज करने के बाद जब से मैं अभी तक 23 घंटे तक चला चुका हूँ, मतलब कि काफ़ी हद तक यहाँ बैटरी चल रही है, बैटरी तो इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पर, जो मुझे लग रहा है आपको दिखा भी रहा हूँ और ये रियल में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये सबसे पहला जो मेरे को सबसे पहला जो बेस्ट चीज़ लगी। उसके बाद जो सेकंड बताने वाला हूँ दोस्तों वो है परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक सही हुई है। आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस भी कितनी अच्छी यहाँ पर फटाफट सब चल रहा है, आप देख रहे होंगे कितनी ईजीली यहाँ पर सब टनाटन चल रहा है, पहले इतना फ्रीली नहीं चलता था, अब ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली चलने लगा है। मतलब कि इसके अंदर रैम मैनेजमेंट को भी अच्छा कर दिया गया है ताकि, मतलब कि है दोस्तों इसके अंदर रैम मैनेजमेंट को भी अच्छा कर दिया गया है ताकि आप इजीली अपने डिवाइस को यूज़ कर सके। आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कितनी फ्रीली ये यहाँ पर रन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रन हो रहा है, आप कहीं भी हो और बहुत अच्छे से रन हो रहा है। इस अपडेट में आप देखेंगे ये अपडेट आया कब था, तो मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग पे, सेटिंग में ले जाने के बाद आपको यहाँ पर ले जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट अपडेट जो कि है 30 मई को मैंने इसको अपडेट कर लिया था, मतलब कि मई की एंड में ही अपडेट आया था, लगभग एक हफ्ते बाद मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल रिव्यू मैं इतना लेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इस अपडेट में जो कि 969 MB का था, इस अपडेट के अंदर कुछ सैमसंग की जो प्री इंस्टॉल एप्स है वो भी अपडेट्स हुई थी या उसको अपडेट किया गया था। तो इस अपडेट्स में जो मुझे लगता है कि उसमें और क्या क्या नए चेंजेस किए गए, बाकी उन्होंने कोई मेजर फीचर्स तो लॉन्च नहीं किया जो कि उन्होंने डिस्क्राइब नहीं करा, बट जो अपडेट्स करे थे उस ऐप के अंदर, तो सबसे पहला जो अपडेट्स करा था उन्होंने कैलकुलेटर ऐप में, तो उसमें कोई नए चेंजेस नहीं किए। उसके बाद जो सेकेंड अपडेट किया था सैमसंग ग्लोबल में, सैमसंग नोट्स में, तो उसमें भी कुछ मुझे नए चेंजेस लगे। यहाँ पर एक अपडेट और किया गया था वॉइस रिकॉर्डर ऐप में, उसके अंदर तो यार कमाल के नए फीचर ऐड ऑन किए गए, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, बट उसकी वीडियो यार आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी क्योंकि बहुत ही शानदार फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है। अगर मैं उसके यहाँ पर कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो आज नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ क्या नया वीडियो में क्या उस वॉइस रिकॉर्डर में चेंजेस किए गए। अभी मैं आपको सिंपल लेआउट बताया था, अगर आपको लगता है लेआउट से आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो कमाल के यहाँ पर फीचर को ऐड किया गया है। दोस्तों मेन चीज़ तो यार आज की वीडियो बनाने का मतलब तो यही था कि मैं आपको इसका रिव्यू बताने वाला हूँ इस अपडेट का। तो इस अपडेट का मेन रिव्यू का निचोड़ यह है कि इसमें बैटरी इंप्रूव की गई है और मोबाइल की चलने की स्पीड को, हैंगिंग को काफ़ी हद तक सोल्यूशन कर दिया गया, और थर्ड चीज़ यहाँ पर जो आपका मोबाइल हीट होता था उसको भी सोल्यूशन कर दिया गया है। अगर आप अपनी वजह से हीट करेंगे बात अलग है, कि अगर आप उसको जैसे आजकल बहुत गर्मी है अगर आप धूप में यूज़ करेंगे या फिर ऑलरेडी जहाँ गर्म जगह है और वहाँ पर आप उसको यूज़ करेंगे, चार्ज पे लगा के यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मोबाइल हीट होगा। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में यूज़ करेंगे तो आपका मोबाइल हीट नहीं होगा, ये मैं चला रहा हूँ आप देख रहे होंगे मैं अभी तक यहाँ पर हीट नहीं हो रहा, तो मेरे को तो यार ये बेस्ट अपडेट लगा क्योंकि इससे जो प्रीवियस वाले अपडेट में मुझे सब प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे साथ हैंगिंग भी हो रही थी, बैटरी भी ड्रेन हो रही थी और हीट भी मोबाइल बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर मैं कोई एक वीडियो बनाता था और उसको एडिट करता था यार बहुत भयंकर मोबाइल गर्म होता था, बट अब वो सोल्यूशन हो चुका है। तो ओवरऑल ये वाला जो अपडेट्स है मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो उसको करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों वीडियो कुछ कमी तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है भाई, वीडियो को देखना है आपको, तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। तो थैंक यू।